अब बारी है मेरे बीबी ब्लॉक की। मैं हमेशा से, चाहे मैं टेलीविजन पे जाऊं शूट के लिए या रेगुलर लोग मुझसे जब मिलते हैं, हमेशा पूछते हैं कि जी आपने कौन सी बेस लगाई हुई है। मेरी बेस का राज यह था, जो खुद मैं अपने ऊपर बरसों से इस्तेमाल करती हूँ, कि जी मैं सनब्लॉक भी ले लेती थी, थोड़ा सा टिंट भी ले लेती थी, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी ले लेती थी, लेकिन मुझे कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिलती थी, मुझे टाइम लगता था इसको लगाने में, लेकिन मुझे कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिलती थी जो मेरी पूरी स्किन को एक ईवन सी टोन दे दे, नेचुरल सा लुक आए, जिसमें मुझे लगे ना कि बहुत कोई पेस्टी चीज़ लगाई है। इसीलिए लोग मुझसे प्रॉब्ली शायद हमेशा पूछते हैं कि जी अब बहुत ओवरडू नहीं लग रही, हमेशा बड़ा सटल सा लुक रहा है। सो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपने SL Basics के बीबी ब्लॉक से। अच्छा, ये दो शेड्स में अवेलेबल हैं, और मज़ेदार बात यह है कि इस एक बॉटल में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मैंने मॉइस्चराइज़र भी, यानी हाइड्रेशन भी रखी है आपकी स्किन के लिए। इसमें सनब्लॉक भी है, 50 SPF यानी UVA UVB दोनों को ब्लॉक रखेगा, प्लस इसमें ग्लो भी है, थोड़ा सा सीरम भी मिलाया है। तो ये समझे, आपने ये लगाया, आप मुंह धोया, ये लगाया, यू आर गुड टू गो। तो इसमें जो दो शेड्स हैं, एक ओक है, एक मोहगनी है, ये मोहगनी है, ये ओक है, मेरे शेड के साथ ये जाता है। तो इसको सबसे आई एम सो प्राउड ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब आप इसका टेक्स्चर देखिएगा, और ये मैंने बहुत बहुत ट्रायल के बाद, इसके ऊपर बहुत ट्रायल्स हुई थी, टेक्सचर मुझे समझ में नहीं आता था, पसंद नहीं आता था। अब आप इसका देखिएगा टेक्सचर, इट इज सो ट्रांसपेरेंट, ये बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, एंड सी फर्क नजर आ रहा है आपको मेरे दोनों हाथों में, ये विदाउट दिस थिन फिल्म है, और ये इतना ट्रांसपेरेंट, इतनी थिन फिल्म है इसकी, बट देखें आप दोनों कॉम्प्लेक्शन में फ़ौरन चेंज आ गया। सो एक्सक्यूज़ मी, मैं ये ब्रश यूज़ नहीं कर सकती, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके, जो मेरी आदत है। मैंने ये किया, मैंने इसको और आपने कैसे हनी की तरह सेटल होता है आपकी स्किन पे, कि आपको लगेगा भी नहीं, लेकिन आप बहुत ही थिन फिल्म है, जो कि बिल्कुल आपको पेस्टी, एक ऑड सा लुक नहीं देती, आपने कुछ किया हुआ है। और मैंने हमेशा यही किया होता है, जो भी लोग पूछते हैं आप तो मेकअप किया भी नहीं, फिर भी आप इतनी अच्छी लग रही हैं। हर रोज़ मैं क्लिनिक के बाद आती थी, मेरी मीटिंग होती थी, और हर रोज़ मैं कहती थी नहीं, नॉट अप्रूव्ड, ये ठीक नहीं है, इसका टेक्स्चर और क्रीमी करें, और क्योंकि वो, बिकॉज मैंने तो खुद ये लगाई है ना इतने दिन, तो मुझे अंदाज़ा है कि अगर थोड़ा सा भी बेस का थिक टेक्स्चर हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना थिन होना चाहिए जैसे सीरम का होता है, जाते ही आपके बिल्कुल जज्ब हो जाए और नज़र ना आए कि आपने कुछ लगाया है।